राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार आज खाना बना है, पूरी कचौड़ी। तो मैं वही भोग लगाने के लिए आई हूँ, इनका गोपाल जी का भोग लगा देती हूँ। उसके बाद फिर पापा को लंच पैक कर दूँगा और पापा इसी में ही फिर थाली में खा लेंगे भोग लगाने के बाद। और गाय की पूड़ी निकाल दी है, तो गाय की पूड़ी मैं बाहर रख दूँगी, तो गाय जब आती है तो वो खा लेती है। और पापा चले गए ऑफिस, तो मैं नाश्ता ले आई हूँ, कचौड़ी और चाय। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार आज हो गया मंगलवार और आज है दीदी की और भैया की 17th एनिवर्सरी। उसी खुशी में ना पूड़ी कचौड़ी और हलवा बना था, तो सब लोग खा पी के हो चुके हैं फ्री फिलहाल। और आज मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, आज मैंने अपनी वार्डरोब जो है कपड़ों वाली वो साफ कर लिया, क्योंकि सारे कपड़े ना बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा बिखर गए थे, मतलब देखा नहीं जा रहा था ऐसा हो गया था वार्डरोब का हाल। बट फाइनली मैंने आज हिम्मत करके ये काम पूरा कर लिया। और जो एक्स्ट्रा कपड़े थे ना, मेरे सूट जो रिटायर हो गए थे, वो मैंने निकाल के रख दिए फिलहाल, और मम्मी को दे दूंगी मैं। एक आती है मतलब कूड़ा वगैरह लेने आती है आंटी, तो उनको मम्मी दे देंगे, वो ले जाती है। चाय बनाए तो ला जाते थोड़ी, कोई नहीं। और फिर सर्दी हो गई ना आपको? वो दीदी कहाँ गई? मैंने गए चार लोग। अच्छा, भैया के साथ बच्चे भी गए थे और हम अपना गांव में जाने गए। सही है। और आपकी तैयारी हो गई शादी की? अरे काज मैं भैया से साड़ी पे कह रही थी, मैं उसी की साड़ी आज मान ले के लाए दो। अच्छा, उधर चली गई फिर घर में कोई नहीं आता, दादा फिर गए ना। कह रही है कि सोए ले आना, अभी तो टाइम है, 30 को जा रहा हूं। हल्की सी डेली पहनने गए? नहीं, शादी में। अच्छा, शादी में पहनेंगे? नहीं, हल्की सी लेंगे, ज्यादा कढ़ाई बढ़ाई हो ना, वो थोड़ी हल्की। फिर वो एंड टाइम पे ही पहनेंगे उसे? मतलब भाई तो हमने ब्लाउज ना, तो भाई सिल पाए कहीं ब्लाउज कोई सी पहन लेंगे, फिर पहन लेंगे, ठंड लगे तो। जैसा आगे ले आए उसके बाद। अच्छा, तो मम्मी की जो भतीजी है उनकी शादी है, तो उन्हीं के लिए मम्मी ने तैयारी कर दी है। मठिया भी ले आई मम्मी है? मठिया ले रखी है। और जो उनके अतुल लड़का है ना? अच्छा, छोटा बेटा, छोटा अभी हुआ है। और ये मौसी के लिए स्वेटर ले आए। अच्छा, मौसी को आप लोग जानते हो, यहाँ पे आई थी। 20 रुपए नहीं आए उन्होंने, नहीं ले रहा डर रात ले तो चीज पहनती नहीं है। हाँ, अच्छा लगेगा ऐसे, अच्छा लगे रोज। और क्या, रोज में अच्छा, रोज में क्या आने जाने में पहन लेंगे। साड़ी भी अच्छी लग रही है। हाँ, साड़ी भी अच्छी लग रही है, खिलेगा ये कलर। हाँ, सिल्क में है ना? सिल्क में। मम्मी भूल जाते हो, बुढ़ापा आ गया मम्मी। जी है, मैं काय मटियो भूल गई। मम्मी ने कड़े तो खो दिए मैंने जो दिए थे। सही है, चांदी की मटियाँ होती है ना, हाथ में पहनते। हाँ, तो मम्मी ले आ रही है, उन्हें भतीज रख लो। ना जूतियाँ तो ला हमारी जूती देखो। ओ, अच्छा ये जो रखी है आपकी है? क्या बात है, मम्मी ने पूरी तैयारी कर ली है। अच्छी लग रही है शादी मम्मी की। 30 तारीख को, 30 को जा रही है, तैयारी में कब से लगी पड़ी है जा रही। हाँ, सारा सामान लगे। हाँ, और क्या, रखते जाओ साथ साथ। हाँ, मेरे को तो दीदी का समय आ रहा, दीदी को क्या दूं आज। तो यार हम लोग निकल रहे हैं, हस्बैंड और मैं जा रहे हैं दीदी के लिए, भैया के लिए कुछ लेना है एनिवर्सरी के लिए। एक्चुअली हम कल भी घूमते रहे मार्केट में, बट कुछ समझ में ही नहीं आया, तो आज फिर जाके देखते हैं तो क्या सही लगता है। तो बस निकलने वाले हैं, चाय पी लेते हैं अभी। ठीक है, हम जीनू को यहीं छोड़ जाएंगे ना, जीनू को छोड़ेंगे। हाँ, गोगप्पे खिला रहा हूँ मैं। क्या खाने जा रहे हो? क्या खाने जा रहे हो बता दो। गोपक्के, गोपक्के, ये तीन, 10 के 3 आते हैं। ये मम्मी इन्होंने बिगाड़ दिया, ये जा नहीं रही थी, इन्होंने बोला गोलगप्पे खाने जा रहे हैं हम दोनों, जानबूझ के ले आ रहे हैं उसको। हाँ।
कपड़ों की शॉप पे आ गए फिलहाल, तो देखते हैं कुछ पसंद आएगा तो ले लेंगे। चाचू को टच कर रही बेटा, गिरा मत देना। नहीं नहीं, कौन है? भाई है। हाँ ये भी भाई है, हेड है तो वो हेयर है, वो कलरफुल हेयर है। तो यार हम लोग दीदी के लिए शॉल लिए हैं और ऊपर हस्बैंड चले गए हैं रनिंग करने के लिए, तो गाने की आवाज आ रही है ऊपर से। और भैया के लिए जो है वो गरम जॉगर्ट ले आए हैं सर्दियों के लिए, तो देखते हैं उन्हें पसंद आता तो ठीक है, अदरवाइज चेंज भी कर लेंगे अगर उन्हें चेंज करना होगा तो। बाकी जो शॉल है वो तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। और बस, और खाने का आज कोई सीन नहीं है, खाना नहीं बनाने वाली मैं, क्योंकि खाना आ रहा है बाहर से, तो भैया दीदी जब आएंगे तो केक कट होगा, उसके बाद फिर खाना पीना खाएंगे। तो ऑर्डर दे दिया खाने का तो आता ही होगा, तो तब तक मैं सोच रही हूँ यार दूध वगैरह जो है ना बॉयल करके रख लेती हूँ, और थोड़ा सा मैं भी जाके ऊपर वॉक कर लेती हूँ क्योंकि मेरी जो है वो बीच में ना छूट गई है, काफ़ी टाइम से मैंने करी नहीं है। तो वैसे भी ना देख ही रहो आप कितनी मोटी होती आ रही हूँ मैं, तो थोड़ी सी वॉक करके आऊँगी मैं भी, क्योंकि आज वैसे भी ना कचौड़ी वगैरह खाई है, और जिस दिन कचौड़ी पूड़ी खा लो ना उस दिन इतना पेट ना ऐसे हैवी हैवी सा लगता है, तो कुछ खाने का मन नहीं करता। तो मैं सोच रही हूँ पहले वॉक करके आ जाती हूँ, थोड़ा सा ना हल्का फील हो जाएगा। तो बस पहले दूध बॉइल कर लेती हूँ जाके नीचे, और जीनू की बोतल जो ऐसे स्टेरिलाइज कर लेती हूँ, जीनू फिलहाल नीचे ही है। के बाद कि देख लेंगे निकलना जाए, और ऊपर जा रही थी इतने मुझे कपड़े दिख गए, तो मैंने सोचा ये कपड़े जो हैं ये भी फोल्ड करके ही जाऊँ, तो बस कपड़े फोल्ड कर देते हैं फिर जाती हूँ ऊपर, थोड़ी वॉक करके आती हूँ। जीनू स्टॉप कर दो, मम्मा करेगी। अरे पर आपको जरूरत नहीं है ना, आप वन पे तो चल रहे हो। हटो, मम्मा करेगी अब, चलो स्टॉप करो। वेरी गुड। तो भाई खाना आ चुका है, तो हम लोगों ने सोचा यार पहले खा लेते हैं उसके बाद केक कट कर लेंगे, अदरवाइज़ क्या है ना खाना फिर ठंडा हो जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगती रोटी जो होती है ठंडी होकर अच्छी नहीं लगती। तो वही बस खाना पीना खोल रही हूँ मैं, लगा रही थी सब लोग खा लेंगे। तो रायता है, शाही पनीर है, दाल मखनी है, राइस है, रोटी है। जीनू का नहीं है, जीनू भी देगा। अरे जीनू आप तो हाँ, दे दो ताई को, दे दो ताई को, लो अपने दोनों लोग ताई को दे दो, रुक जाओ, लो ताई क्या बोल रहे हैं? बता ना, ठीक है अरे नीनू को तो खिला दो, ले ले जीनू, उधर आओ।
अरे खा 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 लो रुक खा खा कह रहा ताऊ प्लीज खिला दो नीचे आज कौन क्या बोली बाबा के खाओ मेरा आज बर्थडे है और खोल ले एनिवर्सरी को कब आए थे सही है I try to figure out why you can't tell the same. And I know when you know all the things I mean to us. मोमबत्ती तो नहीं ए बेटा दुकान भाभी भैया बेटो नहीं कर रही लाओ बताओ अब जीनू खाएगा ना? जीनू के लिए खत्म हो गई खत्म हो गई जीनू खत्म हो गई अब क्या खाओगे आप मैं एनिवर्सरी तो सेलिब्रेट हो गई है और आप लोग भी केक खा लीजिए आके जीनू ने सबको बांट दिया और जीनू मैडम खुद खा रही हैं और ब्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ आपसे मिलते हैं कल दोबारा तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए खुश रहिए बाय टेक केयर